हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये एवरयूथ नेचुरल ग्लो पील ऑफ मास्क, और ये मेरी ज़िंदगी का पहला पील ऑफ मास्क होगा। मैंने इसके पहले आज तक कोई भी पील ऑफ मास्क ट्राई नहीं किया है। you know, अभी विंटर्स आने वाले हैं और धीरे धीरे वेदर चेंज होना स्टार्ट हो भी गया है, जिसकी वजह से मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई सी हो गई है और ड्राइनेस की वजह से सारा ग्लो खत्म हो गया है मेरे फेस का। तो मैंने स्पेशली ये ग्लो वाला फेस मास्क मंगवाया था। अब ये कितना ग्लो देता है कितना नहीं वो तो इसे ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। ट्राई करके भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एवरयूथ नेचुरल नेचुरल ग्लो ऑरेंज पील ऑफ मास्क, और इस पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फाइट्स टैन, तो देखते हैं कितना टैन रिमूव करता है। और इस पे इन्होंने मेंशन किया है पील्स अवे डर्ट, मतलब डर्ट को हटाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। डायरेक्शन टू यूज़ वो हमें ऑलरेडी पता है तो इसे मैं नहीं पढ़ रही हूँ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका प्राइस है 110 रुपये और ये मिल जाता है आपको 90 ग्राम्स। तो 90 ग्राम्स 110 रुपये में मेरे हिसाब से ठीक है, ये काफ़ी लंबा चल जाएगा। और 110 रुपये नहीं, अगर आप इसे ऑनलाइन लेते हो तो आपको डिस्काउंट तो मिल ही जाता है, जैसे कि मुझे भी ये 95 रुपीज़ में मिला था। अब जल्दी से मैं इसे ट्राई करके भी देख लेती हूँ और शेयर कर देती हूँ अपना रिव्यू आपके साथ। तो मैं अपना फेस वॉश और फेस स्क्रब करके आ चुकी हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं कोई पील ऑफ मास्क यूज़ करने जा रही हूँ। क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता था कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो कहीं कुछ रिएक्शन ना कर जाए। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देखे हैं जिसमें पील ऑफ मास्क को जब लोग रिमूव करते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उन वीडियोज़ ने मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया था, इसलिए मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया। तो लाइफ में पहली बार मैं इसे यूज़ करने जा रही हूँ और देखते हैं कैसा होता है मेरा एक्सपीरियंस। आप कोई भी मास्क लगाने जा रहे हो, पील ऑफ हो या वॉश ऑफ, ज़रूरी है कि आपकी स्किन थोड़ी सी वेट रहे जिससे कि मास्क आपका पूरी तरह से स्प्रेड हो पाए आपके फेस पे। ओके, पतला सा है ये, पूरा स्प्रेड होने लग गया अपने आप ही। काश मेरा फेस ऑल टाइम इसी तरह से ग्लो करता जैसा अभी कर रहा है। तो पूरा फेस मेरा कवर हो चुका है पील ऑफ मास्क से, और बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से मैं वेट कर रही हूँ कि कभी ये ड्राई हो और कब मैं इसे पील ऑफ करके रिमूव करूं। एक बात मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगी कि इसकी फ्रेग्रेंस तो इतनी बुरी नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है। पर जब मैं इसे अपने आई एरिया के पास लगा रही थी ना, तो मुझे अपने आईज़ में थोड़ी सी जलन सी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर से कोई गैस निकल रही है जो कि आंखों को हर्ट कर रही है। ऐसा तब होता था जब मैं अपनी केमिस्ट्री लैब में H2S गैस के साथ, H2S या अमोनिया, पता नहीं कोई सी गैस होती थी, जब उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता था ना, तब वैसी जलन होती थी मेरे आंखों में जैसी अभी इसे लगा के हो रही है। सबसे पहले तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेती हूँ। वैसे ये काम मुझे लगाने के पहले करना चाहिए था पर मैं भूल गई, तो मैं अब कर रही हूँ। आप ये गलती कभी मत करना। ओह, मीनवाइल ये ड्राई हो गया। ये ऐसा तो मैं बचपन में ना फेविकोल लगा के किया करती थी। ओके, तो इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे मिल गए हैं। आई एम सॉरी, मैं ठीक तरह से बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। एक्सट्रैक्ट्स नारंगा, नारंगा मतलब नारंगी ऑरेंज, सिट्रस पील, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंड कलर सनसेट येलो एंड मिथाइल पैराबीन। सो पैराबीन्स हैं इसमें, मे बी इसकी वजह से ये हो रहा हो। बट ठीक है, पैराबीन बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होता है, लेकिन पैराबीन एक लिमिटेड अमाउंट में अगर यूज़ किया जाता है ना तो वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होता है। और पैराबिन से बनी चीज़ें उन लोगों को मना की जाती हैं जिनको ऑलरेडी स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या तो स्किन कैंसर है या फिर वो किसी लंबी मेडिकेशन पे चल रहे हैं, उस केस में वो पैराबिन से बनी हुई चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप पैराबिन से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छी छी इसमें तो पैराबिन है हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। पैराबिन हर किसी के लिए हार्मफुल नहीं होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन हाँ, अगेन, केमिकल से बनी हुई चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप लंबे टाइम तक उन चीज़ों को यूज़ करने की सोच रहे हो तो। सारे केमिकल्स आपकी स्किन के लिए बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, और कुछ को अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हो तो वो आपकी स्किन को ख़राब करते हैं। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो भी आपको दवाइयाँ ही लिख के देते हैं ना, दवाइयों में भी केमिकल्स ही होते हैं ना। तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी को रिपेयर करते हैं अंदर से, तो केमिकल्स आपके लिए ख़राब कैसे हो सकते हैं। फाइनली अभी ये ड्राई हो चुका है और अब मैं इसे रिमूव करूँगी। सो कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करूँ या यहाँ से स्टार्ट करूँ। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिटरली फेविकोल वाली फीलिंग आ रही है। ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। मैं बेकार में इतने सालों से डर बना के बैठी थी अपने माइंड में कि पील ऑफ मास्क बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं।
अगर आप थोड़ी थिक लेयर लगाते हो ना तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। फाइनली ये रिमूव कर लिया है मैंने। इसे निकालने के बाद मुझे अपनी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रही है। पता नहीं मुझे कि ये सारे पील ऑफ मास्क के साथ ऐसा होता है या सिर्फ इसी के साथ हो रहा है, बट एक बात तो है, इसे निकालने के बाद मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगी है और कलर कॉम्प्लेक्शन भी मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है पहले से। बट हाँ, ये ड्राइनेस वाली चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। इतनी ज़्यादा ड्राई मेरी स्किन तब नहीं फील कर रही थी जब मैंने स्क्रब किया था। तो ओवरऑल मुझे ये पील ऑफ मास्क अच्छा तो लगा, बट पता नहीं कि मैं इसे दोबारा लूँगी या नहीं लूँगी, क्योंकि दो प्रॉब्लम्स मुझे इसमें लगी। पहली प्रॉब्लम तो ये कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर रहा है स्किन को, और दूसरी ये जो आँखों में जलन कर रहा है ना, इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि मेरी स्किन ग्लो कर रही है और एक टोन लाइट भी हो गई है। मतलब जैसे इसका नाम है ना, नेचुरल ग्लो, ग्लो तो ला दिया है इसने मेरे फेस पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फेस मास्क, और आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको दे दी है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक देके जाना, और इसी तरह के वीडियोस आगे देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लेना। अब मैं बहुत ही जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।